हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 के एडिशन का। तो ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है? तो एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल एक पर्सनालिटी, उनकी याद के अंदर नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ कौन कौन से फील्ड के अंदर दिया जाता है? तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एज वेल एज इकोनॉमिक साइंस के अंदर, राइट? इतनी फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, राइट? नोबेल प्राइज़ कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन, जो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है, नोबेल फाउंडेशन, उनके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है। किनके याद के अंदर? अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर, बराबर ना? ओके, अभी हम हर एक कैटेगरी की जो नोबेल प्राइज़ जो अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। कि अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2022 वो किसको दिया गया? तो अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लूज़र और एंटोन ज़ेलिंगर को, ये तीन पर्सनालिटी को अभी 2022 का नोबेल प्राइज़ फॉर द फिज़िक्स दिया गया। अभी क्यों दिया गया? तो पर्पस है फॉर एक्सपेरिमेंट विद द इंटेंजिबल फोटॉन्स, एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ द बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग द क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। उनकी ये फील्ड के अंदर रिसर्च के दौरान उनको ये नोबेल प्राइज़ फॉर द फिज़िक्स दिया गया है, राइट? आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ फॉर द फिज़िक्स 2022 किसको दिया गया? अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लूज़र और एंटोन ज़ेलिंगर को। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे फोटोन्स के साथ, जो एस्टैब्लिश करते हैं वायोलेशन ऑफ द बेन इक्वालिटीज एंड पायनियरिंग द क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, बराबर? तो उनको ई पर्पस के लिए ये नोबेल प्राइज़ फॉर द फिज़िक्स दिया गया है। ओके, अगर मैं नोबेल प्राइज़ फॉर द केमिस्ट्री की बात करूँ, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2022 जॉइंटली टू द थ्री रिसर्चर्स, कैरोलिन बैटोसी, मोर्टेन मेल्डन, के बेरी शार्पलेस। ये तीन पर्सनालिटी को नोबेल प्राइज़ फॉर द केमिस्ट्री 2022 दिया गया। किनके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस के द्वारा। क्यों दिया गया? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो ये सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छा रिसर्च किया, इसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ फॉर द केमिस्ट्री 2022 दिया गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, राइट? ये क्लिप केमिस्ट्री है ना, एक्चुअली वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच अलाउज द मॉलिक्यूल्स टू असेंबल क्विकली एंड एफिशिएंटली, इज पायोनियर्ड बाय द बेरी शार्पलेस एंड द मोर्टेन मेल्डन। कि ये जो केमिस्ट्री क्या है, कि एक ब्रांच है क्लिक केमिस्ट्री, पता बना, कि जो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि जो असेंबल हो क्विकली और एफिशिएंटली, बराबर ना? और ये किसके द्वारा पायनियर किया गया है? बेरी शार्पलेस एंड मोर्टेन मेल्डन के द्वारा, बेरी शार्पलेस और मोर्टेन मेल्डन के द्वारा, राइट? क्लिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेरी शार्पलेस और मोर्टेन मेल्डन। अगर मैं कैरोलिन बैटोसी की बात करूँ, उन्होंने एडवांस क्लिक केमिस्ट्री के अंदर काम किया है बाय अप्लाइंग इट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लिक केमिस्ट्री जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये बेरी शार्पलेस और मोर्टेन मेल्डन के द्वारा उन्होंने अप्लाई किया, किनके द्वारा? कैरोलिन बैटोसी के द्वारा। कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट? ये जॉन बी गुड इनफ, वो रिसीव द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री इन 2019 एट द एज ऑफ 97, इज द ओल्डेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज टू द डेट, बराबर ना? यहाँ पे आपको याद रखना है, एक फैक्ट है कि जॉन बी गुड इनफ, उन्होंने नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री जीता था 2019 के अंदर, कितनी एज के ऊपर? 97, बराबर ना? तो ओल्डेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज टू द डेट, बराबर ना? तो यहाँ पे आपको कितना याद रखना है कि भाई नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री किसको मिला, क्यों मिला, बराबर ना? और क्लिक केमिस्ट्री क्या है? क्लिक केमिस्ट्री के अंदर इन्वेंशन इन लोगों ने किया है, एप्लीकेशन इन्होंने किया है। उसके अलावा नोबेल प्राइज अभी तक सबसे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट टू रिसीव द नोबेल प्राइज 97 एज के ऊपर, जॉन बी कूड़ी ना, 2019 के अंदर उनको मिला था केमिस्ट्री के अंदर, बराबर ना? ओके, अब नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें, तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द स्वेंटी पाबो द
तो नोबेल प्राइज़ इन द मेडिसिन इन 2022, नोबेल प्राइज़ इन द मेडिसिन जस्ट एक ही पर्सनैलिटी को दिया गया है, स्वेंटी पाबो, बराबर ना। और ये किनके द्वारा दिया गया है? तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, बराबर ना, इनके द्वारा दिया गया है। ओके, पर्पज़ क्या है? फॉर इज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ द एक्सटिंक्ट होमिनीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, कि उन्होंने जीनोम्स को डिस्कवर किया है, बराबर, ऑफ द एक्सटिंक्ट होमिनीज एंड द ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, बराबर ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ उन्होंने जीनोम्स को डिस्कवर किया है। तो नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज द फर्स्ट ऑफ द अवार्ड्स टू बी अनाउंस इन द ईयर 2022, 2022 के अंदर सबसे पहला अवार्ड नोबेल प्राइज कौन सा अनाउंस किया गया? मेडिसिन, बराबर ना। अगर मैं स्वेंटी पाबो की बात करूँ, तो पाबो इज एन एक्सपर्ट इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, पायनियर्ड द यूएसए ऑफ द पायनियर्ड द यूज ऑफ द डीएनए एनालिसिस ऑन द एंशियंट बोन्स, पर्टिकुलरली प्रोसीजर्स फॉर द रीडिंग द सीवियरली डिग्रेडेड डीएनए, बराबर। वो एक्चुअली डीएनए को रीड करने में एक्सपर्ट है एक्चुअली, कि वो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, बराबर, वो हिस्ट्री क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, बराबर ना। तो उन्होंने उसी फील्ड के अंदर उनको ये मेडिसिन दिया, नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन दिया गया 2022, बराबर ना। नहीं तो आई थिंक आपको ये पता चला होगा। ओके, नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 2022, राइट। तो यहाँ पे किसको दिया गया? तो फ्रेंच ऑथर एनी एनोक्स को दिया गया, फ्रेंच ऑथर एनी एनोक्स को दिया गया, राइट। पर्पस क्या है? कि फॉर द करेज इन क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच सी अनकवर्ड द रूट्स इस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ द पर्सनल मेमोरी, बराबर ना। उन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया, इसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर दिया गया है, एनी एनोक्स, जो फ्रेंच ऑथर है। एनोक्स इज द फर्स्ट फ्रेंच ऑथर टू रिसीव द नोबेल प्राइज सिंस पेट्रियोक मोडियानो इन 2014 के अंदर फ्रेंच के एक ऑथर थे पैट्रिक मोडियानो, उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर, उनके बाद एनी एनोक्स को मिला है। सी इज़ अ 16th फ्रेंच राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज, मतलब फ्रेंच के अंदर राइटर्स भरे पड़े हैं। सी इज़ अ 16th फ्रेंच राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज टू द डेट, बराबर ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसको मिला? एनी एनोक्स, वो एक राइटर थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस। उसके अलावा क्यों मिला? और ये 16th फ्रेंच राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, फॉर द पीस की बात करूँ, तो अभी तक के सारे जो नोबेल प्राइज है ना, वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए गए थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ये आपको याद रखने की बात है, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बराबर ना। तो नोबेल पीस प्राइज 2022 का एक इंडिविजुअल को दिया गया और दो संस्था को दिया गया। अभी अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, तो किसको दिया गया है? तो एलएस करके एक एडवोकेट है, ह्यूमन राइट एडवोकेट है बेलरूस के, उनको दिया गया। अगर मैं संस्था की बात करूँ, तो संस्था तो दो कंट्री की संस्था है, एक तो रसिया और यूक्रेन, क्योंकि यहाँ पे अभी वॉर चलता है, तो वहाँ पे पीस मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। तो रसिया की कौन सी संस्था है? तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजर है मेमोरियल, और यूक्रेन की कौन सी संस्था है? सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज, पता मतलब। तो इन दोनों को अभी ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू द डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट एब्यूसेस एंड द एब्यूज ऑफ द पावर, एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, बराबर ना। तो ये पर्पज़ के लिए रशिया की दो संस्था, रशिया की एक संस्था, यूक्रेन की एक संस्था, एक एडवोकेट जो बेलरूस से बिलोंग करते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज मिले हैं, बराबर ना। अगर मैं एक फैक्ट की बात करूँ, तो मलाला यूसुफ जई, हु वॉज 17 ईयर ओल्ड वेन सी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 2014, इज़ अ यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, बराबर ना। देखो, ओल्डेस्ट रेसिपेंट कितने साल के थे? 97। ओल्डेस्ट रेसिपेंट थे 97 के, लेकिन यंगेस्ट कितने साल के? 14। और वो कौन है? मलाला यूसुफ जई, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 के अंदर, बराबर ना। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना पड़ेगा, नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला? एक तो सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन से बिलोंग करती है, मेमोरियल रशिया से बिलोंग करते हैं, और बेलरूस से एक इंडिविजुअल है एलएस करके, जो ह्यूमन राइट एडवोकेट है, बराबर ना। तो इन लोगों को ये पर्पज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है। ओके, ओके। अगर मैं नोबेल प्राइज़ के कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करूँ, तो जिनकी याद के अंदर हम नोबेल प्राइज़ देते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, बराबर ना।
उनकी डेथ एनिवर्सरी 10 दिसंबर को हर साल 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, बराबर ना। नोबेल प्राइज़ अभी तक 1901 से 2022 तक 989 इंडिविजुअल्स और 615 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। और नोबेल पीस प्राइज़ के अलावा सभी नोबेल प्राइज़ को कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, बराबर ना, जो कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। सिंपल, ओके। अगर मैं नोबेल प्राइज़ इन द मेडिसिन की बात करूँ तो वो कौन देता है? तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंजिका इंस्टीट्यूट, बराबर ना, जो स्वीडन के अंदर है। नोबेल पीस प्राइज़ कौन देता है? नॉर्वे नोडल कमेटी देती है, बराबर ना। एंड द करंट वैल्यू ऑफ द नोबेल प्राइज़ कितनी है? कितनी प्राइस मनी दी जाती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम के अंडर में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अभी क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। द फ्लेक्सी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज़ बीन रिवाइज एंड इंक्लूडेड मेनी इनिशिएटिव्स लाइक द स्किलिंग द गर्ल्स इन द नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस, इंक्रीजिंग देयर एनरोलमेंट इन द सेकेंडरी एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड प्रमोटिंग द एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस, बराबर ना। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, राइट, कि गर्ल्स को स्किल प्रोवाइड करना और वो भी कहाँ पे? नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस के अंदर, राइट। उसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और प्रमोटिंग द एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस। ये चार मेन ऑब्जेक्टिव अभी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो रिवाइज वर्जन आया है उसके अंदर शामिल किए गए हैं, बराबर ना, ओके। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशनल मैनुअल टू इंप्लीमेंट द स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो रिवाइज वर्जन आया है उसको किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करवाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसका एक मैनुअल अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, राइट। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो इस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखरेख कौन रखेगा, कौन सी कमेटी रखेगी, बराबर ना। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और एक कमेटी के हेड कौन होंगे? तो ये कमेटी के हेड होंगे सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सेक्रेटरी है, जो मिशन शक्ति जो स्कीम है, जो इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम है मिशन शक्ति, वो मिशन शक्ति की स्कीम को भी वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उनकी देखरेख के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और उसी तरीके से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो रिवाइज वर्जन है वो भी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनके द्वारा ही देखरेख होगा, राइट, ओके। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओरिजिनल स्कीम के बारे में बात करूँ तो 2015 के अंदर ये स्कीम लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, बराबर ना, टू एड्रेस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तब उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करना और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, राइट। द स्कीम वॉज लॉन्च विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ 100 करोड़। जब ये स्कीम लॉन्च की गई तब उसका इनिशियल फंडिंग कितना रखा गया था? 100 करोड़। द नेम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रांसलेट एंड रिफर टू द सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, राइट। इसका मतलब क्या होता है? सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, बराबर ना। इट एम्स टू एजुकेट द पीपल अगेंस्ट द जेंडर बायस एंड इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ द वेलफेयर सर्विसेज फॉर द गर्ल्स, बराबर ना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर। कितना इनिशियल फंडिंग था? 100 करोड़ रुपये का, राइट। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो जैसे हमने बात किया कि 2015 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, राइट। और ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखरेख तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, लेकिन ये स्कीम कौन कौन सी मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है? तो
ये स्कीम है वो जॉइंट इनिशिएटिव हो मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, बराबर ना। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, 2015 के अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसका नाम, राइट। तो ये तीन मिनिस्ट्री का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि उस टाइम उसका नाम वो था, अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रिवेंट द सेक्स सिलेक्शन, टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एंड टू इंश्योर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अचीवमेंट्स हैं और उसके प्रोग्रेस के बारे में बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थ्रू द स्कीम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है अभी तक 76,167 अवेयरनेस रैलीज एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, 12 मोबाइल वंस वेल इक्विप्ड विद द ऑडियो विजुअल एड्स फंक्शन इन द ऑल 20 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिस्ट्रिक्ट, बराबर ना। तो जहाँ पे जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं, बराबर ना, वहाँ पे मोबाइल वंस भी यहाँ पे इक्विप की गई है, जो कंटिन्यूसली लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। उसके अलावा 76,000 के अराउंड अवेयरनेस रिलीज भी अभी तक विलेज लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, राइट। ये जो स्कीम है जो 2014-15 के अंदर जब लॉन्च की गई थी, तब वो इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च की गई थी, बराबर ना, और उसके बाद फिर वो पूरे नेशन वाइड लॉन्च की गई, और आउट ऑफ द 640 डिस्ट्रिक्ट अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ डिक्लाइन इन 429 डिस्ट्रिक्ट, बराबर ना। ओके, अगर ये स्कीम के अगर मैं अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद देश के अंदर क्या सुधार आया है, तो कि एज पर डेटा ऑफ द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्स रेशियो एट द बर्थ हैज इम्प्रूव बाई द 16 पॉइंट्स फ्रॉम 918 टू द 934, राइट। हरियाणा हैड इम्प्रूव इट्स सेक्स रेशियो एट द बर्थ टू 916 कंपेयर टू द 914 इन 2021। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, क्योंकि लोग गर्ल चाइल्ड को बॉर्न जन्म नहीं देते थे, राइट। जैसे ही गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है उनको मार दिया जाता था, राइट। तो ये स्कीम के बारे में, ये स्कीम के बाद मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई, और उसके बाद जेंडर रेशियो, जो सेक्स रेशियो एट द बर्थ है, तो जो पहले 918 था वो अभी कितना हुआ है, 934, बराबर ना। तो इतना बड़ा है, बराबर ना। अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस के बारे में बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अभी तक वो मिनिस्ट्री ने 76,000 के अराउंड अवेयरनेस रिलीज क्रिएट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, कहाँ पे, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, राइट। उसके अलावा 12 मोबाइल वंस को इक्विप किया गया है विद द ऑडियो विजुअल एड्स कि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें ये स्कीम के बारे में, राइट। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2014-15 के अंदर, तब वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च की गई थी, बराबर ना। और अभी 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, बराबर ना। और ये स्कीम का अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द हेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो सेक्स रेशियो एट द बर्थ जो इंडिया का पहले 918 था 2014-15 के अंदर, अभी 2019-20 के अंदर कितना हो गया है, 934। तो इतना अभी सेक्स रेशियो एट द बर्थ बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम, राइट। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूँ, तो उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। और ये मिनिस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1985 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन 2006 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट केम टू द एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। देखो 1985 से ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट की तरह था, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। लेकिन 2006 से फिर उसको सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया, और अभी उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो पहले से ही है 2015 से, लेकिन इस पर कुछ अलग से एलिमेंट उसके अंदर ऐड किए गए हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स CRI इंडेक्स के बारे में। CRI इंडेक्स, अभी ये इंडेक्स क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, उसके बारे में देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, सीआरए इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, सीआरए इंडेक्स 2022 का एडिशन, ये फोर्थ एडिशन है। इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 6 प्लेसेस टू द रैंक 123 आउट ऑफ द 161 कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, बट कंट्रीज टू परफॉर्म द लो इन द हेल्थ स्पेंडिंग। देखो, इंडिया का रैंक पहले जो लास्ट एडिशन था, मतलब थर्ड एडिशन था, तब 129 था आउट ऑफ 161 कंट्रीज, लेकिन अभी 123 हो गया है। मतलब इंडिया ने इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए अच्छे स्टेप्स लिए हैं, राइट। लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री कि जो हेल्थ स्पेंडिंग के ऊपर कम स्पेंड कर रहा है, जिस जितना उसका इनकम है उसमें से कम पोर्शन ऑफ द इनकम वो हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है, राइट। अभी इस इंडेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि इंडेक्स कौन लॉन्च करता है। कि इस अ कोलाब्रेशन बिटवीन द डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI एंड ऑक्सफर्म इंटरनेशनल। तो ये दो संस्था साथ में मिलकर हर साल CRA इंडेक्स लॉन्च करती है। CRA इंडेक्स 2022 वो किसके द्वारा टॉप किया गया? नॉर्वे, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये तीन कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे ऑलमोस्ट जेंडर इक्वालिटी है, राइट। तो ये CRA इंडेक्स नॉर्वे, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन कंट्रीज़ के द्वारा टॉप किया गया, जो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। अगर मैं CRA इंडेक्स 2022 की जो ये फोर्थ एडिशन की बात करूँ, तो ये फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडेक्स इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मेड बाय द रिव्यूइंग द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द 161 गवर्नमेंट्स टू कॉम्बेट द इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द 2020 एंड 2022, द फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। यहाँ पर जो रिपोर्ट जो बनाया गया है ये दो संस्था के द्वारा, राइट, जहाँ पे 161 गवर्नमेंट्स का सर्वे किया गया है कि उन्होंने 2020 से 2022 तक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कितना फोकस किया है, जो पेंडेमिक के बाद के पहले दो ईयर है, बराबर ना। तो ये दो ईयर का सर्वे है 2020 से लेकर 2022 तक का, राइट। द इंडेक्स इवोल्यूस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस इन द थ्री एरिया। इंडेक्स ने यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सर्वे किया है वो तीन एरिया के अंदर किया है मेजरली, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट्स। मतलब जेंडर इक्वालिटी पब्लिक सर्विसेज के अंदर कैसा गवर्नमेंट ने फोकस किया है, राइट, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया गया है, और वर्कर्स राइट्स के अंदर, ये तीन मेजर एरिया के अंदर यहाँ पे पॉलिसीज कैसी रही है गवर्नमेंट की, उनके एक्शंस कैसी रही है, वो हिसाब से उनको यहाँ पे उनका इवोल्यूशन किया गया है, राइट। यहाँ पे मेरे टेबल में ये जो रैंकिंग के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, राइट, एंड इंडिया का नंबर कौन सा, 129। यहाँ पे मैंने टेबल पे कि भाई ये ओवरऑल रैंकिंग के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, नॉर्वे, सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 123 नंबर पे है इंडिया। और अगर मैं तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर बात करूँ तो पब्लिक सर्विस रैंकिंग के अंदर इंडिया का रैंक 129 है, टैक्स रैंकिंग के अंदर 16 है और लेबर रैंकिंग के अंदर 151 है। तो यहाँ पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पर थोड़ा सा पुअर है और यहाँ पर मॉडरेट है, राइट, और ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस ये है 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज, बराबर ना। अगर मैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू CRA इंडेक्स इंडियाज ओवरऑल रैंकिंग इज इंक्रीज बाय द 6 पॉइंट्स फ्रॉम 129 इन 2020 टू द 123 इन 2022, राइट। इंडिया हैज मूव्ड 12 प्लेसेस टू द 129 इन द टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी थ्रू द पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू जो हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमने 12 प्लेसेस का जंप लगाया है। द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रैंकिंग फॉर द इंडिया हैज इंक्रीज बाय द 3 प्लेसेस, जो हम लास्ट एडिशन के अंदर 19 नंबर पे थे, अभी हम 16 नंबर पे आए हैं। तो यहाँ पे तो हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इंडिया हैज ड्रॉप्ड 73 प्लेसेस इन द मिनिमम वेज रैंकिंग आफ्टर बीइंग रीक्लासिफाइड एज नॉट हैविंग अ नेशनल मिनिमम वेज, राइट। तो ये अगर मैं डेली वेजेस की बात करूँ, राइट, अगर मैं जेंडर इक्वालिटी अगर मैं वेजेस के रिस्पेक्ट में देखूँ तो इंडिया ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया और 73 प्लेसेस ड्रॉप हुआ है इंडिया इस सेगमेंट के अंदर, राइट।
इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 27 स्पॉट्स इन द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडिकेटर। यहाँ पे हमने 27 स्पॉट्स का जंप लगाया है और इंडिया ने यहाँ पे 33 स्पॉट्स का जंप लगाया है इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स ऑन द रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडिकेटर, बराबर ना। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पे पब्लिक सर्विस के अंदर हमने कितना काम किया है, तो उसके अंदर हमने 12 प्लेसेस का जंप लगाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है, तो उसके अंदर 27 प्लेसेस का जंप लगाया है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ तो उसके अंदर हमने 3 प्लेसेस का जंप लगाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट के अंदर हम बात करें तो कितना जंप हुआ है हमारा, 33 स्पॉट्स का, बराबर ना, राइट। अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूँ तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर, बराबर ना, जो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एंड नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया हैज़ द लोएस्ट हेल्थ स्पेंडिंग एट 3.64% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग। ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर इंडिया सबसे कम हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर रहा है, उसकी टोटल जो इनकम है उसमें से मात्र 3.64% वो हेल्थ सेक्टर के अंदर दे रहा है। वेल चाइना एंड रशिया ईच कंट्रीब्यूट 10% टू हेल्थ स्पेंडिंग, ब्राज़ील कंट्रीब्यूट 7.7% एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूट 12.9% द हाईएस्ट, बराबर ना। द हेल्थ स्पेंडिंग डन बाय द नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान 4.3%, बांग्लादेश स्पेंड्स 5.19%, श्रीलंका 5.88% और नेपाल 7.8% और इंडिया जस्ट 3.64%। तो यहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं ऑक्सफर्म इंटरनेशनल की बात करूं, जो एक संस्था है जो ये रिपोर्ट को जनरेट करने में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो ऑक्सफर्म इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर, सीईओ है उसके अमिताभ बेहर और वो फाउंड कब हुआ था, 1995 के अंदर, बराबर ना। तो ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स है, बराबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई ने भी रेज किया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग अप द ईआरसीज टू ₹300 करोड़। अभी ये न्यूज़ क्या कह रही है उसके बारे में समझते हैं कि आरबीआई रेज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ₹300 करोड़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹100 करोड़, बराबर ना। तो सबसे पहले तो आपको ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्यों बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, देखो कि हर एक बैंक की एसेट होती है और बैंक की एसेट क्या होती है, जो वो लोन प्रोवाइड करता है वो, राइट। क्योंकि लोन के अगर वो लोन देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा और वो उसकी इनकम होती है। तो लोन दो टाइप की होती है, एक तो गुड लोन होती है और एक तो बेड लोन, और बेड लोन को हम नॉर्मली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं बैंक की, बराबर ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बैंक ने कोई एक व्यक्ति को 100 करोड़ की लोन दी, बराबर ना, और वो व्यक्ति पैसा लेके भाग गया, मतलब वो बैंक की एनपीए हो गई, कितने करोड़ की, 100 करोड़ की। तो अभी तक क्या था कि बैंक वो अपने लेवल पे जब ये बैंक ने उसको लोन दी होगी तब उसने वो उसकी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी होगी अपने पास, तो बैंक अपने लेवल पे अभी तक रिकवरी करता था वो प्रॉपर्टी को बेच के वगैरह करके, बराबर ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बैंक के पास और भी बहुत सारे काम हैं, राइट। बैंक अगर ये रिकवरी करते घूमेगी तो उसके जो बाकी के बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर संस्था बना दी जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका काम ही वही है कि पर्टिकुलर एनपीओ को वो जो पेपर है, बराबर ना, लोन पेपर्स है उसका उसके ऊपर से रिकवरी करना। कैसे करना, देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करेगी, ये बैंक के पास से ये 100 करोड़ का एनपीए परचेस कर लेगी और वो बैंक को देगी फॉर एग्ज़ाम्पल 80 करोड़। अभी आप बोलोगे सर बैंक का वो एनपीए तो 100 करोड़ का था, वो बैंक को क्यों 80 करोड़ देगी, तो बैंक ने वो अपने लेवल पे नहीं किया तो बैंक को थोड़ा सा तो नुकसान भरना पड़ेगा ना, राइट। तो बैंक को यहाँ पे नुकसान कितना करोड़ का होगा, 20 करोड़ का, लेकिन उसका सिर दर्द ख़त्म हो जाएगा कि भाई उसको रिकवरी नहीं करनी है, शायद वो रिकवरी करेगा बैंक अपने लेवल पे तो उससे भी कम पैसा आता, राइट। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है, वो 80 करोड़ में वो एनपीए के जो लोन पेपर से वो किसको दे देता है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, बराबर ना। और फिर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, वो अपने लेवल पे उस लोन पेपर का रिकवर करती है, राइट। शायद उसको यहाँ से 90 करोड़ मिल जाए तो उसको 10 करोड़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बैंक के पास से
ये बैंक या फिर कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसने आगे किसी को लोन दे के रखा है और इसका रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके पास से वो एनपीए के पेपर्स ले लेती है और फिर वो अपने लेवल पे रिकवरी करती है। तो अभी तक अगर अगर आपको अपने लेवल पे एसेट टेकन कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो आपके पास कितना पैसा चाहिए था अभी तक? 100 करोड़ रुपया। लेकिन अभी लिमिट बढ़ा दी गई है, कितना कर दिया है? 300 करोड़ कर दिया है। कि अगर आपके पास 300 करोड़ रुपया है तब भी आप नई एसेट टेकन कंपनी बना सकते हो, राइट? उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको पता होगा कि भाई हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी, हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी, अगर उसको लोन की रिकवरी करनी है, अगर एनपीए हो जाता है फिर उसकी रिकवरी करनी है, उसका जो जो इसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी उसकी उसकी नीलामी करनी है, तो हर एक बैंक और एनबीएफसी कौन से दो एक्ट के अंडर में अभी तक वो नीलामी कर पाते थे? तो एक है सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट के अंडर में रिकवरी कर सकता है कोई भी बैंक या तो फिर एनबीएफसी, और दूसरा कौन सा है? इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी कोड 2016। तो ये दो एक्ट बनाए गए हैं। अगर कोई बैंक या एनबीएफसी को कोई भी प्रॉपर्टी का रिकवरी करना है तो वो इस एक्ट के अंडर में कर सकते हैं। तो ये सरफेसी एक्ट है ना, वो सभी लोन के ऊपर लागू होता है सिवाय कृषि लोन, एग्रीकल्चर लोन है ना, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। एग्रीकल्चर लोन के ऊपर मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ने एग्रीकल्चर लोन लिया और उसने रिपेमेंट नहीं किया तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंडर में वो रिकवरी नहीं कर सकती। उसके अलावा आईबीसी कोड है ना, ये सरफेसी एक्ट एग्रीकल्चर लोन के ऊपर लागू नहीं होता और आईबीसी कोड मात्र बिजनेस लोन के ऊपर लागू होता है। आईबीसी कोड है ना वो मात्र बिजनेस लोन के ऊपर लागू होता है। अगर कोई पर्सन ने बिजनेस पर्पस के लिए कोई लोन लिया है और अगर वो रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो वो आईबीसी कोड के माध्यम से बैंक या एनबीएफसी उसका रिकवरी कर सकते हैं, राइट? तो ओके, अभी फॉर एग्जांपल कोई बैंक या एनबीएफसी जिसके पास ये कोई फ्रॉड हुआ है, कोई जो लोन लेने वाला पर्सन है वो और उसने बिजनेस लोन ली है, राइट, और वो लोन लेके भाग गया है, राइट, तो वो बैंक और एनबीएफसी अपने लोन की रिकवरी करने के लिए फॉर एग्जांपल वो आईबीसी कोड के अंडर में वो अप्लाई करना चाहती है, राइट राइट, क्योंकि वो बिजनेस लोन लिया है। तो ये बैंक और एनबीएफसी जो अप्लाई कर रही है आईबीसी कोड के अंडर में, बराबर ना, उस बैंक और एनबीएफसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलते हैं, राइट। तो अभी तक कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के तौर के ऊपर अप्लाई करने की मनाही थी अंडर द आईबीसी कोड। लेकिन अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी जिसकी एसेट साइज, जिसकी नेट ऑन फंड मतलब जिसके जिस जिसके मिनिमम जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 करोड़, वो ये एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो अप्लाई कर सकती है, राइट। देखो एक एसेट टेकेशन कंपनी को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? अभी पहले 100 करोड़ था, अभी 300 करोड़। लेकिन जो जो एसेट टेकेशन कंपनी के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ रुपीज़ है, नेट ऑन फंड 1000 करोड़ रुपीज़ है मिनिमम, वो अपनी एनपीए को मतलब जो उसने बैंक के पास से रिकवरी जो बैंक के पास से जो एनपीए ली है, जो एनबीएफसी के पास से जो एनपीए परचेज की है, उसकी रिकवरी करने के लिए ये आईबीसी कोड के अंडर अप्लाई कर सकता है एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। लेकिन उसकी मिनिमम नेट ऑन फंड कितनी चाहिए उसके लिए? 1000 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर ना फ्रेंड्स? ओके, और ये तो एक बात हो गई। दूसरी भी बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी अनाउंस किए गए हैं फॉर द एसेट रिकग्निशन कंपनी, कि एसेट रिकग्निशन कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ है वो अभी मैक्सिमम एक बार के अंदर कितना कितने साल तक अपॉइंट हो सकते हैं? 5 साल तक। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, अगर रीअपॉइंटमेंट होगा तो मैक्सिमम कितने साल तक वो अपॉइंट हो सकते हैं? 15 साल तक। कितने? 15 साल तक, बराबर ना? एक ये बात याद रखनी है। और वो एमडी और सीईओ की जो रिटायरमेंट एज होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम 70 इयर्स, बराबर ना? तो ये एमडी और सीईओ के बारे में ऑफ द एसेट रिकग्निशन कंपनी, बराबर ना? उसके अलावा हमने जो बात की कि भाई पहले 100 करोड़ चाहिए थे एसेट रिकग्निशन कंपनी बनाने के लिए, अभी कितने चाहिए? 300 करोड़ रुपये चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। उसके डेप्यूटी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, बराबर ना? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 के अंदर, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं धींग,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, राइट। तो इस रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IIC बेंगलुरु इन कर्नाटका है सिक्योर द नंबर वन स्पॉट अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, बराबर ना। तो अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? IIC बेंगलुरु अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023, राइट। IIC बेंगलुरु इज रैंक नंबर वन अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉलिंग इन टू द 251 to 300 बैंड। अभी तक देखो IIC बेंगलुरु है ना 301 से 350 के बैंड में आता था ग्लोबल लेवल पे, अभी वो कितने बैंड में आता है? 251 से 300 की रेंज के अंदर आता है, मतलब उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है ग्लोबल लेवल पे, राइट। इट इज़ ऑल्सो द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू मेक द टॉप 300 लिस्ट, 300 टॉप 300 के अंदर ग्लोबल लेवल पे ये रैंकिंग्स के अंदर आने वाली एकमात्र संस्था है, एकमात्र यूनिवर्सिटी है IIC बेंगलुरु, बराबर ना। विथ द 75 इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023, इंडिया इज़ अ फिफ्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन द लिस्ट। अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करूँ तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे, जितनी भी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे रैंकिंग्स प्रोवाइड की गई है उसमें से इंडिया की कितनी है? 75 इंस्टीट्यूट्स, बराबर ना। तो इंडिया जो फिफ्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। अगर मैं बात करूँ कि भाई 2020 के अंदर जो रैंकिंग्स हुआ था तब इंडिया की 56 यूनिवर्सिटीज़ थी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स के अंदर, अभी कितनी है? 75, बराबर ना। और जो 2017 के अंदर कितनी थी? 31, बराबर ना। तो ये ओवर द पीरियड इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का बराबर जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और कौन कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मेड टू द 2023 रैंकिंग लिस्ट, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मेड इट इन टू द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, बराबर ना। तो टोटल टॉप 500 के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं इंडिया की। एक तो IIC बेंगलुरु, JSS अकेडमी ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, अय्यप्पा यूनिवर्सिटी, बराबर ना। ये टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ वो टॉप 500 के अंदर आई है ये टाइम्स हायर एजुकेशन के जो रैंकिंग्स है। उसके अलावा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, बराबर, तो टोटल 5 ये यूनिवर्सिटीज़ ये टॉप 500 के अंदर आई है। ओके। अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जिन्होंने इस रैंक के अंदर अपना स्थान जमाया है, तो 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिसने टॉप 500 के अंदर अपना स्थान इस बार हासिल किया है, एक तो IIC बेंगलुरु जो टॉप इंस्टीट्यूट है, बराबर ना, जो पहली बार 251 से 300 के बैंड में आई है, बराबर ना। उसके अलावा JSS अकेडमी ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, अलकप्पा यूनिवर्सिटी और उसके अलावा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, बराबर। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ पहली बार टॉप 500 के अंदर में आई है, बराबर ना। अमंग द 6 इंस्टीट्यूशंस दैट डेब्यूटेड इन द TH 2023 रैंकिंग्स, के शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिसीव द हाइएस्ट रैंकिंग, बराबर ना। टोटल 6 इंस्टीट्यूशंस ने पहली बार इस रैंकिंग के अंदर अपना स्थान हासिल किया है, उसमें से जो शुलिनी यूनिवर्सिटी है, राइट, जो टॉप 5 में भी है, उसने सबसे, जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बराबर ना, और उसने सबसे हाइएस्ट रैंकिंग अचीव किया है। अगर अगर मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जिन्होंने पहली बार इस रैंकिंग के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट रखा है, उसमें सबसे हाइएस्ट रैंकिंग कौन सा है? शुलिनी यूनिवर्सिटी, बराबर ना। ओके। अगर मैं ये टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रैंकिंग्स 2023 की बात करूँ तो कि दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2030 फीचर 1799 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द 104 कंट्रीज एंड रीजियंस, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ द 137 ओवर द 2022। 2023 के अंदर 137 यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा यहाँ पे रैंकिंग दिया गया है, टोटल 1799 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे रैंक दिया गया है टोटल 104 कंट्रीज में से, बराबर ना। दिस मेक्स द रैंकिंग्स द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्सिफाइड लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एवर, बराबर ना। पहली बार कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया गया है, बराबर ना। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन द 4 एरियाज, टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफर एंड इंटरनेशनल आउटलुक, इज मेजर्ड बाई द 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बराबर ना। तो मेनली ये 4 एरिया के अंदर इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस को यहाँ पे इवेल्यूट किया जाता है। द 2023 रैंकिंग्स प्रोवाइड द इनसाइट इन टू द प्रोग्रेसिंग ग्लोबल हायर एजुकेशन लैंडस्केप। फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज रैंक द फर्स्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बराबर ना, तो 7 साल से कंटिन्यूसली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो पहले नंबर पे आ रही है विथ द 177 इंस्टीट्यूशंस। द यूएस इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ओवरऑल इन एडिशन टू बींग द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द टॉप 200 बराबर ना। तो अब जैसे इंडिया के इस रैंकिंग्स के अंदर ये 1799 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशन हैं, 75, उसी तरीके से यूएस के कितने हैं, 177 जो सबसे हाईएस्ट है, और टॉप 200 के अंदर भी यूएस के अंदर 58 यूनिवर्सिटीज़ है बराबर ना, तो ये भी उसके अंदर भी वो हाईएस्ट है राइट। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में यहाँ पे टेबल पे लिखा है कि फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके से बिलोंग करती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस से बिलोंग करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज यूके से बिलोंग करती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से बिलोंग करती है, और मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो यूएस से बिलोंग करती है बराबर ना। तो ये टॉप 5 है जो नॉर्मली यूके से और यूएस से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई टॉप फर्स्ट नंबर पर कौन आया, टॉप 5 में कौन है, इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन है, इंडिया की कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं ये रैंकिंग्स के अंदर, टोटल ओवरऑल रैंकिंग्स कितनी यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कंट्री के हैं बराबर ना। तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। अगर ओके अगर मैं एशिया के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, जापान की टोटल 117 बराबर ना, उसके बाद चाइना 95 और इंडिया उसके बाद थर्ड नंबर पे है 75 राइट। कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो रिमेंस अ जापान टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन द 39th प्लेस बराबर ना। जो टोक्यो की यूनिवर्सिटी है बराबर ना, जो जापान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है 39th प्लेस के ऊपर ओवरऑल रैंकिंग में आई है बराबर ना। अगर मैं कॉन्टिनेंट के वाइज बात करूँ तो एशिया सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल 669 यूनिवर्सिटीज़ है ना ये रैंकिंग के अंदर एशिया से बिलोंग करती है। और एशिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चाइना से बिलोंग करती है, जो ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा नंबर पे है, 16th नंबर पे है ओके। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करूँ तो उसका फर्स्ट इश्यू 1971 के अंदर आया था, उसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके के अंदर ओके फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने रिलीज़ किया है फोर्थ लीड्स सर्वे रिपोर्ट अभी लॉन्च किया है राइट। और उसके अंदर अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 15 स्टेट्स वो अचीवर्स कैटेगरीज के अंदर आए हैं। अभी ये सब क्या है उसके बारे में देखते हैं कि इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने रिलीज़ किया है अभी फोर्थ लीड्स सर्वे। लीड्स का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस अ डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस अ डिफरेंट स्टेट्स, मतलब ये सर्वे कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि अलग अलग स्टेट्स ने लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स लिए हैं, उनको यहाँ पे रैंकिंग दी गई है बराबर ना। तो लीड्स सर्वे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये फोर्थ सर्वे है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो उसके मिनिस्टर है पीयूष गोयल के द्वारा राइट। और ये कब लॉन्च किया गया, तो कि जब एक साल कंप्लीट हुआ द रोल आउट ऑफ द नेशनल मास्टर प्लान, जो आपको पता है कि पीएम गति शक्ति, जो लॉजिस्टिक का हमारा जो खर्चा है जो उसको कम करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति प्लान लॉन्च किया है, और पीएम गति शक्ति को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाने के लिए नेशनल मास्टर प्लान लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। तो उसका एक साल कंप्लीट हुआ और उसी दिन ये लीड सर्वे रिपोर्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा राइट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, तो द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय द लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आती है, विद द सपोर्ट फ्रॉम द अर्नेस्ट एंड यंग बराबर ना। तो ये रिपोर्ट जो लीड सर्वे रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आती है, और उसको किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा बराबर। तो ये दो संस्थाएं ने साथ में मिलकर रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। आंध्र प्रदेश, आसाम एंड गुजरात आर अमंग द 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज विच आर कैटेगरीज एज अ अचीवर्स इन द फोर्थ लीड सर्वे रिपोर्ट। अगर फोर्थ लीड सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो अचीवर कैटेगरी के अंदर, अभी ये कैटेगरी किस तरीके से डिवाइड की है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अचीवर कैटेगरी के अंदर टोटल 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, और उसमें आंध्र प्रदेश, आसाम और गुजरात ही उसके अंदर शामिल है।
यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड द पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान हैज द पोटेंशियल टू सेव ओवर द ₹10 लाख करोड़ एनुअली बाय इम्प्रूविंग द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। देखो ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये बनाया ही इसलिए था कि हम जो लॉजिस्टिक के ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उसको कम किया जाए। तो कितना कम हो सकता है? तो 10 लाख करोड़ पर ईयर कम हो सकता है। पीएम गतिशक्ति वॉज लॉन्च बाई द पीएम मोदी ऑन 31 अक्टूबर 2021 फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द इंडिया। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक प्रॉपर प्लानिंग से एक लॉजिस्टिक डिवीजन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काम करे, इसके लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान बनाया गया था 2021 के अंदर। तो अगर वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होगा तो हमारा एनुअली कितना पैसा सेव हो सकता है? 10 लाख करोड़ रुपीज़, बराबर ना? ओके ओके अगर मैं ये असेसमेंट की बात करूँ लीड सर्वे की, तो यहाँ पे एक्चुअली जो सर्वे किया गया है उस वो तीन पिलर्स के ऊपर एक्चुअली फोकस किया गया है। अलग अलग स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा काम किया है, सर्विसेज कैसे दे रहा है और ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, राइट? तो ये तीन पिलर के ऊपर यहाँ पे एक्चुअली स्टेट्स को यहाँ पे रैंकिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की है लीड सर्वे के अंदर, बराबर ना? ओके अगर मैं परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करूं तो लीड सर्वे कैटेगराइज स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिक डेमोग्राफिक्स इनटू द फोर कैटेगरीज, लैंडलॉक, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे स्टेट्स को किस तरीके से रैंक प्रोवाइड किया गया है, पहले तो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है उनकी जियोग्राफिक डेमोग्राफिक्स के अलावा, उनके जियोग्राफिक डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग। तो लैंडलॉक स्टेट्स की कैटेगरी है, कोस्टल स्टेट्स की कैटेगरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी है और यूनियन टेरिटरीज की है, बराबर ना? ये चार स्टेट्स की कैटेगरी को अंदर सभी स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, फिर उनका परफॉर्मेंस उन रीजन के अंदर कैसा रहा है उसके फिर अलग से सर्वे किया गया है। देखो अगर मैं परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे लीड सर्वे के अंदर स्टेट्स को फोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिक डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग। स्टेट्स को लैंडलॉक कैटेगरी, कोस्टल कैटेगरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनियन टेरिटरीज, ये चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर उसके अंदर उनको अचीवर्स, जो अगर फॉर एग्जांपल उनको परसेंटेज मिले 90% से ज़्यादा तो वो अचीवर कैटेगरी में, फिर फास्ट मूवर अगर उनको परसेंटेज मिले 80% to 90% के बीच में तो उनको फास्ट मूवर कैटेगरी में डाला गया है, और एस्पायर अगर उनको 80% से कम परसेंटेज मिले हैं, बराबर ना, तो उनको एस्पायर कैटेगरी में डाला गया है, राइट? समझ में आया, राइट? तो ये अचीवर्स में कौन आएगा कि दीज आर द स्टेट्स विच आर शोन एन एक्सलेमरी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विद द एक्सेप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी प्रोसेसेस। तो जिन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं लॉजिस्टिक के अंदर में, बराबर, उनको अचीवर कैटेगरी में डाला गया है। जिन्होंने मॉडरेट स्टेप लिए हैं उनको फास्ट मूवर्स, और जिन्होंने थोड़े से कम स्टेप लिए हैं उनको एस्पायर कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन कौन कौन सी मेन कैटेगरी है? लैंडलॉक, कोस्टल, नॉर्थ ईस्टर्न और यूनिटरीज, राइट? तो यहाँ पे मैंने टेबल में पूरा एक आपको समरी दिखाया है कि भाई लैंडलॉक स्टेट्स हैं जहाँ पे अचीवर के कैटेगरी के अंदर कौन कौन है, ये वाले स्टेट्स, फास्ट मूवर में कौन है, ये वाले, और एस्पर कैटेगरी में कौन है, ये वाले, कोस्टल स्टेट्स के अंदर लैंडलॉक के अचीवर्स के अंदर ये, फास्ट मूवर्स के अंदर ये और एस्पायर्स के अंदर ये, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आसाम, फास्ट मूवर्स के अंदर सिक्किम, त्रिपुरा और बाकी एस्पायर कैटेगरी के अंदर, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ और दिल्ली, फास्ट मूवर्स के अंदर पौंडुचेरी और बाकी सब एस्पायर कैटेगरी के अंदर। तो आपको ये अचीवर्स एटलीस्ट याद रखना है। टोटल 15 स्टेट्स अचीवर कैटेगरी के अंदर है, बराबर ना, राइट? तो उसमें से आपको लैंडलॉक के अंदर कौन है, कोस्टल के अंदर कौन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर कौन है और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कौन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं लीड्स रिपोर्ट की बात करूँ तो इट इज़ अ फॉलोअप ऑफ अ एनुअल लीड्स सर्वे विच असेस द व्यू पॉइंट्स ऑफ द वेरियस यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द इंडिया लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। दिस रिपोर्ट प्रोसेस द डेटा रिसीव फ्रॉम द सर्वे एंड रैंक्स द लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ऑफ द ईच स्टेट ओरिएंटेड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। इट इन्वेस्ट्स द इंप्रूविंग द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट फॉर इन्हेंसिंग द इंडिया ट्रेड एंड टू रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बराबर ना? द फर्स्ट लीड रिपोर्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अंदर। नो रैंकिंग वॉज रिलीज लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक और गुजरात वॉज इन द अचीवर कैटेगरी इन बोथ 2018 और 2019, बराबर ना? तो लीड्स रिपोर्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट रिपोर्ट ये 2018 के अंदर,
लास्ट ईयर कोई भी रिपोर्ट लॉन्च नहीं किया गया था, और 2018 और 2019 का जो एडिशन था उस दोनों के अंदर एचीवर कैटेगरी में रहने वाला एकमात्र स्टेट था गुजरात, बराबर ना, विल लीड्स रिपोर्ट, राइट। समझ में आया फ्रेंड्स क्या उसका मोटिव है? अगर मैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश, बराबर ना। तो ये उसके स्टेटिक फैक्ट्स हैं। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।